जेईटी 2024 के काउंसलिंग का अंतिम पड़ाव था वो आपका खत्म हो चुका है। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी जिनका अभी भी सिलेक्शन नहीं हुआ है सोच रहे हैं कि अब हमारे पास में कोई और ऑप्शन बचेगा या नहीं बचेगा, अब हमें क्या करना चाहिए। और जिन लोगों का जेईटी 2024 के स्पोर्ट काउंसलिंग के सेकंड राउंड में सिलेक्शन हो गया है उनको आगे क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट प्रोसेस आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। सो वंस अगेन वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एग्री कैपिटल। सबसे पहले तो मैं उन सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाइयां दूंगा जिन बच्चों ने जेईटी के लिए 2024 की बेहतरीन तैयारी करके राजस्थान के किसी ना किसी गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज में एडमिशन लिया है। अब आपके हाथ में है, आप एक बहुत सही रास्ते पे पहुंच चुके हो। अब इस रास्ते को पार कैसे करना है वो आपके हाथ में है। अगर अच्छे से मेहनत करोगे डेडिकेशन के साथ में तो डेफिनेटली 4 साल की बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद में आप एक बहुत अच्छे स्टेटस पर होंगे, ठीक है। अब आगे आपको क्या करना होगा उनके बारे में भी कंप्लीट टाइम टू टाइम आपको वीडियो मिलते जाएंगे। इस वीडियो में मेनली हम चर्चा करने वाले हैं जिन बच्चों का सिलेक्शन है वो स्पोर्ट राउंड के सेकंड राउंड में सिलेक्शन हो गया है उनको क्या करना है, कब कॉलेज में फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जाना है, और जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है दोस्त हताश होने की निराश होने की जरूरत नहीं है। एक साल कभी भी किसी का फ्यूचर डिसाइड नहीं करता है। आपको लग रहा है कि आपने मेहनत की है फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, आप एक साल फिर से मेहनत करो, आप बहुत अच्छी जगह जाओ। भगवान जहां पे आपको भेजना चाहता है वहां पे भेजेगा। आप अपनी मेहनत में बिल्कुल भी कमी ना आने दो, डेफिनेटली आपने जो सोचा है वो आप करके रहेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं बता दूं जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है कट ऑफ के बारे में भी डिस्कस करूंगा, ठीक है। जिनका सिलेक्शन हुआ है उनको अपना आईडी पासवर्ड डाल के क्या करना है, जाके चेकआउट कर लेना है कि आपको सिलेक्शन मिला या नहीं मिला। अगर आपको सिलेक्शन मिला है तो 1200 रुपए पे करके आपको सीट को एक्सेप्ट कर लेनी है। अब एक बच्चों के माइंड में क्वेश्चन, सर अब जो सीटें बच्चे एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो उनका क्या होगा, अब एक एक सीट मोस्टली कॉलेजों में खाली रहेगी, किसी में रहेगी नहीं, किसी में एक रहेगी, उसका ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने आपको पहले भी बोला था कि लगभग 60 से 70 सीट है वो सेकंड राउंड में खाली रहेगी जो भर जाएगी, और जिसमें कट ऑफ में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, 1 से 2 नंबर का फर्क आएगा, उतना ही फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है। और जनरल कैटेगरी में 150 से नीचे किसी भी बच्चे को सीट है वो मिली नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग 153 लास्ट था जिनमें बच्चों को सीट मिली है। यहाँ पे लिखा है आपको 11 तारीख तक कैंडिडेट लॉग इन के माध्यम से निर्धारित शुल्क जमा करके आप सीट को एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब आपको कॉलेज में रिपोर्टिंग के लिए कब जाना है उसके लिए हम जान लेते हैं, जो भी हमारा जो आगे का प्रोसेस है उसके बारे में कि कॉलेज में आपको रिपोर्टिंग के लिए कब जाना है। इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज में फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए मंडे को 14 तारीख को जो भी आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेके जाना है। मंडे को आपकी फाइनल रिपोर्टिंग हो जाएगी, क्लासेज ऑलरेडी आपकी चल रही है, ठीक है। जिन भी बच्चों को कॉलेज मिला है बहुत बहुत बधाई है दोस्त, आप अपना फिजिकल वेरिफिकेशन है वो मंडे को करवाओ। सीट एक्सेप्ट करनी है आपको 1200 रुपए देके। सर अगर हम सीट एक्सेप्ट ना करें तो क्या 5000 रुपए हमारे वापस आ जाएंगे? अब आपका कुछ भी वापस नहीं आने वाला है दोस्त, ठीक है। अगर आपको एक बार सीट मिल जाती है तो आपका पेमेंट वापस रिफंड नहीं किया जाएगा, ये चीज ध्यान रखना। हाँ, जिन बच्चों को सीट नहीं मिली है किसी भी राउंड में पहले और अभी, उन बच्चों के लिए मैं एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, पेमेंट कब तक रिफंड होगा, किस वे में रिफंड होगा, कैसे रिफंड किया जाएगा, उसके बारे में सारी चीजों के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिलहाल जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है, अगर आप सोच रहे हैं वापस से तैयारी करनी तो रॉयल संस्थान उदयपुर के साथ में जुड़ के आप ही अपने सपने साकार कर सकते हैं। रॉयल का बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर जो आप देख सकते हैं जिसमें आपका बायोमेट्रिक अटेंडेंस एक्सपर्ट फैकल्टी, जिसमें आपको एसी क्लासरूम डिजिटल क्लासरूम है वो मिलने वाले हैं। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपका वीकली मेजर टेस्ट होने वाला है जिसमें आपको बेहतरीन डीपीपी एक्सरसाइज सीट मिलने वाली है, पीटीएम एंड मोटिवेशनल सेमिनार आपका रखा जाएगा, बेहतरीन हॉस्टल फैसिलिटी रॉयल इंस्टीट्यूट की है। संपूर्ण भारत में आप चाहे जेईटी एग्जाम की बात करो चाहे आप सीयूईटी एग्जाम की बात करो, बेहतरीन रिजल्ट है वो रॉयल संस्थान ने दिया है। ये सारे चेहरे आप देख सकते हैं, अगर इन चेहरों में आप भी अपना नाम शामिल करवाना चाहते हैं तो रॉयल इंस्टीट्यूट के 2025 बैच के साथ में जुड़ के आप भी अपने सपनों को साकार कर सकते हैं।
रॉयल संस्थान क्यों ज्वाइन करना, ये सारी चीजें आपने इस वीडियो में जान ली है। और आप अगर रॉयल को ज्वाइन करते हो तो डेफिनेटली आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा और बच्चों का जिस हिसाब से सिलेक्शन हुआ है आपका भी जरूर सिलेक्शन होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि सर एक साल तैयारी करना बेटर रहेगा या फिर प्राइवेट कॉलेज में कहीं ना कहीं एडमिशन लेना हमारे लिए उचित रहेगा। तो मैं तो यही सजेशन करूंगा कि आप जितनी अच्छी जगह से अपना ग्रेजुएशन करोगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। बाकी दुनिया में मुश्किल कुछ भी नहीं है, आप जो चाहते हैं वो चीज हासिल कर सकते हैं। बाकी हमारा यही काम है अच्छे से अच्छे स्टूडेंट को सजेस्ट करके एक अच्छी जगह भेजना। ठीक है, तो मैं यही बोलूंगा जिन बच्चों को तैयारी करनी है रॉयल संस्थान बेहतरीन रिजल्ट दे रहा, आप ज्वाइन करके एक साल तैयारी करो, डेफिनेटली आप 2025 में अच्छी जगह एडमिशन ले लोगे। 5-6 महीने की बात है, अब तो ज्यादातर सेशन मोस्ट ऑफ दी सेशन कॉलेजों में एडमिशन जो भी होना है वो खत्म हो गया, अब आपके पास में और कोई भी ऑप्शन नहीं, लास्ट ऑप्शन है जिसको भी एडमिशन लेना। प्राइवेट कॉलेज वाले आपका एडमिशन ऐसे ही ले लेंगे, तो उनमें अगर जाना है तो जा सकते हो। बाकी मैं तो बिल्कुल भी सजेशन आपको ये नहीं दूंगा। ठीक है, आप अपना फिजिकल रिपोर्टिंग टाइम से करवाएं, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम है तो वो भी आप हमारे साथ में कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, वो भी सारी चीजों का आपको सॉल्यूशन मिलेगा। आपको किसी भी कॉलेज में फिजिकल वेरिफिकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है तो डेफिनेटली आप हमारे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आपके 100% है वो हेल्प की जाएगी। उम्मीद करूंगा ये JET 2024 के काउंसलिंग का लास्ट वीडियो था। अब हम एक एक चीज, हमारा जो मेन प्लान होगा वो होगा 2025 तक। 2024 में मैंने मेरा पूरा सपोर्ट दिया, एग्री कैपिटल पूरी टीम आपके साथ में हर पल साथ में थी, आपको भी अगर पूरा सपोर्ट मिला है तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ में शेयर करना। जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है दोस्त टेंशन मत लो, एग्री कैपिटल हमेशा आपके साथ में है, आपको एक राइट डायरेक्शन देगा और जिनकी वजह से आप इस बार नहीं तो अगली बार देश के टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे। क्योंकि मैं आपको जल्दी रिजल्ट भी दिखाऊंगा कि कितने बच्चों का सिलेक्शन हमारे गाइडेंस की वजह से हुआ है। वैसे तो हजारों बच्चों ने एग्री कैपिटल के गाइडेंस की वजह से देश के टॉप यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन लिया है। अब आपके लिए एग्री कैपिटल बहुत कुछ नया करने वाला है, जो आपके 2025 का एग्जाम होने वाला है उसके लिए बहुत कारगर साबित होगा, वो भी बहुत जल्दी आपके साथ में अनाउंस कर दिया जाएगा। और जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया है उनके लिए तो एग्री कैपिटल बहुत कुछ अच्छा करने वाला ही है। मिलता हूँ जल्दी एक नई वीडियो और नए अपडेट के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहे एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल माई चौधरी PHU के साथ। थैंक यू वेरी मच।